सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ। कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है तो मोदी जी के हाथों में है। चली रे देखो चली के मोदी जी की लहर चली। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं और इस समय मैं सागर लोकसभा सीट पर हूं। इसी दौरान हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, देश की आधी आबादी क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करेंगे। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, खासकर पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी वो ले लेंगे, इन सब मुद्दों पर हम सागर की इन महिलाओं से बात करेंगे, इन महिलाओं का मूड जानेंगे, देश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर। सबसे पहले तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, इस बार किसकी चलने वाली है देश में, मध्य प्रदेश में, बीजेपी की या एनडी गठबंधन? बीजेपी की। क्यों? कोई है ही नहीं मोदी जी के सामने। ऐसा क्या किया बीजेपी? सब कुछ किया। मोदी जी एक ऐसे जननायक नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाएं नहीं, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए भी सोचा, उन्होंने उज्ज्वला योजना, उन्होंने महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं, मैं आपको गिनवा नहीं पाऊंगी। सो देश की आधी आबादी तो महिलाओं की है और सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ है। आप मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चुनावी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने स्टेटमेंट हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने सुना होगा, कभी वो कंगना के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, उनके रणदीप सुरजेवाला, कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, कभी हेमा मालिनी को लेकर स्टेटमेंट आता है। बड़े नेता जब महिलाओं पर स्टेटमेंट देते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या आधी आबादी जो है देश की, उसका कांग्रेस सम्मान नहीं करती क्या? देखिए, जैसे कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है। वो अपनी विकृत मानसिकता हमेशा दर्शाते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, एक बड़े से एक छोटे लेवल का जो भी नेता है, वो अपनी जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता हमेशा दिखाते हैं, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो, हिंदू धर्म के प्रति हो, किसी भी धर्म की चीज के प्रति हो। जैसे अभी आपने मंगलसूत्र का भी बताया, तो मंगलसूत्र हमारे भारत में अखंड सौभाग्यता की निशानी दिखाते हैं। अगर वो अखंड सौभाग्य को भी एक किसी सामान के वस्तु में तोल रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितने निचले स्तर पर जा चुकी है। और मात्र एक विकल्प तो कोई बचता ही नहीं है। भाजपा ने जो बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला, वो करके दिखाया। मैडम आप क्या कहेंगी, आप बताइए, देश की आधी आबादी का मूड क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में, देश में, मध्य प्रदेश में, सागर में, सभी जगह? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, हर जगह हम जा रहे हैं, सबके मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि जो मोदी ने किया हमारे लिए वो कोई आज तक 70 सालों में नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। अगर हमारा देश सुरक्षित हाथों में है तो मोदी जी के हाथों में है, इसलिए कमल खिलेगा। मतलब देश सबसे बड़ा आप लोगों का वो है फोकस कि देश की विकास, डेवलपमेंट और मजबूती अंतर्राष्ट्रीय स्तर। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के लिए जो वोटिंग स्तर दिया हमने 33% किया, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। मोदी जी पहले महिलाओं को देखते, क्योंकि उनको मालूम है महिलाएं अगर सशक्त हैं, पढ़ी लिखी, अगर उनको सशक्त बनाया जाए तो उनका जो बच्चे हैं वो सशक्त बनेगा और हमारा देश का भविष्य उज्ज्वल ही होगा। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, तमाम तरह के, चूंकि चुनावी प्रचार चल रहा है तो हर पार्टी स्टेटमेंट देती है, भाषण देती है, पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो का, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस तो आई तो ये महिलाओं का, बेटियों का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। मैं ये कहना चाहूंगी, इतनी नारी सशक्त है मोदी जी के राज में, मोदी मोदी की गूंज तो है ही है, लेकिन नारी में एक इतना आत्मविश्वास बढ़ाया है उन्होंने नारियों का कि मंगलसूत्र क्या कोई नजर भी नहीं डाल सकता उनके मंगलसूत्र के ऊपर, छीनने की बात बहुत दूर है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, राम मंदिर, सनातन, ये मुद्दे भी महिलाएं सोचकर वोट करेंगी क्या? वो नहीं करेंगी, निश्चित करेंगी। राम हमारे सर्वोपरि है, भगवान है, हम उनको मानते पूछते तो निश्चित ही करेंगे। एक बीजेपी एक टारगेट दे रही है, उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 में से 29, तो आप लोगों को लग रहा है सबसे पूछना चाहूंगा ऐसा होगा? 29 ही आएंगी, 400 पार 100% आएंगी, 400 पार बिल्कुल। जमीनी स्तर पर इतना काम हुआ है? जी जी बिल्कुल, गांव-गांव में प्रचार है। मैं छोटा सा एक कविता गाती हूँ, चली रे
चली रे देखो चली के मोदी जी की लहर चली। अरे गांव गांव और शहर शहर में नाम मोदी जी का गूंज रहा है। मोदी जी हमारे पीएम हैं, उसी में देश गूंज रहा है। मोदी जी की आंधी है और गांव गांव और गली के मोदी जी की लहर चली। मोदी की गारंटी चलेगी या इंडी गठबंधन? सिर्फ मोदी जी की गारंटी चलेगी, बल्कि मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी, विश्वास करो तो मोदी पे, वो नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पे बार बार नहीं आता है। ये तमाम महिलाएं सागर की, इनसे हमने एक रेस्टोरेंट में चर्चा की, इनसे जाना कि देश की आधी आबादी क्या सोचती है देश के इस चुनाव को लेकर, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर इन महिलाओं का क्या मूड है। सबका एक ही नजरिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर इनको भरोसा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी की गारंटी चलेगी और इंडी गठबंधन कहीं नहीं टिकेगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, सागर। हाँ, जरूर किया है। कहाँ किया है विकास? पूरे देश में। अगर यहाँ से जो देखा जाए तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, संख्या बढ़ रही है, ट्रेन की संख्या बढ़ रही है। पूरे देश में जो प्रधानमंत्री योजना है, उनमें आवास की हो, मेडिसिन की हो, चाहे कोई भी हो, आम जनता के लिए जो मोदी साहब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी ने काम बहुत अच्छा किया। अच्छा, कांग्रेस ने काम नहीं किया विश्वास? नहीं, वो क्या है कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है सब अच्छे विकास का करके है। जामनगर में सब अच्छा काम किया है, पुल आते, पर काम राजकोट से सरखामण में ओछा होता है, धीमी होता है काम, विकास का काम जो राजकोट है तेज हो रहा है। राजकोट से जो राजकोट बड़े सिटी में जो काम डेवलप होता है वो जामनगर में नहीं होता है। हम पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस के 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के 2 से बढ़कर आज 300 पार हो गई, अब 400 हो गई। ये 400 पार होगी कि नहीं होगी? सच होगी। एनडीए की होगी कि बीजेपी के 400 पार? बीजेपी के कम होगी, एनडीए के मिलाकर सब 400 पार हो जाएगी। राजनीतिक तौर पर बात करें तो यहां से वर्तमान में पूनम बेन हेम सांसद हैं, लेकिन 1989 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही। इसके बाद से बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमाया। तो ये जामनगर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जामनगर लोकसभा क्षेत्र जहां पर एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ ये हुआ करता था, मतलब 1951 से लेकर 89 तक यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता रहा है, लेकिन उसके बाद हवा बदल गई, सियासी रुख बदला और बीजेपी ने यहां पर 1989 में जीत दर्ज की। 1989 से लेकर अब तक अगर सिर्फ हम 2004 और 2009 को छोड़ दें तो लगातार बीजेपी कैंडिडेट यहां से जीतता रहा है। जामनगर क्षेत्र जहां पर पिछली 2 बार से अगर हम बात करें तो पूनम बेन यहां से बीजेपी की कैंडिडेट जीत रही हैं, इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने जेपी मारविया को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 7 विधानसभा सीटें हैं यहां पर, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कुल आबादी की बात करें तो 21,60,000 के करीब पूरे जामनगर की आबादी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहां की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर पाटीदार समुदाय के मतदाता है, और ऐसा माना जाता है कि पाटीदार समुदाय के मतदाता जिस भी उम्मीदवार की पक्ष में वोट कर देते हैं वही उम्मीदवार जामनगर से जीत जाता है। औद्योगिक तौर पर संपन्न, हस्तशिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध इस शहर में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। इसके पीछे लोग कई वजहें गिनवा रहे हैं। तो विपक्ष रहा भी नहीं है, विपक्ष में कोई सारा नेता नहीं है, सब बीजेपी में चला गया है। आज 93 कीमत है लीटर का, जब लास्ट 88 जब हो गया था किसका, यह मनमोहन देसाई सिंह के जब वड़ाप्रधान, तब 88 रुपया उस टाइम भी भाव हो गया तो इतना पेट्रोल इतना महंगा ही नहीं था, 125 रुपया लीटर वो ये चल रहा था इसका बैरल का भाव, ये यहाँ
ओपेक की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत महंगी है, पेट्रोल डीजल तो उसके ऊपर ही चलता है, उसका फर्क पड़ता है, बाकी महंगाई नहीं है। महंगाई तो है, तो इसके साथ इनकम भी बढ़ी है ना, आपकी बढ़ी है इनकम, बढ़ी है ना, क्यों नहीं बढ़ी सच्ची में? अभी हम रिटायर आदमी है, हम सब रिटायर आदमी, रिटायर तो 40,000 रूपये हमको पेंशन मिलती है, जब हम सर्विस में थे तो हमको 500 रूपये तनख्वाह मिलती थी। सोर्स ऑफ इनकम है अभी बढ़ गई है, महंगाई है, लेकिन जो बीजेपी ने एक विश्वास कायम किया है उसके हिसाब से बीजेपी ही या एनडीए आने वाली है, और लोग के जो दिमाग पर है कि चाहे पेट्रोल हो या डीजल, अगर महंगा हुआ तो साइकिल से चलाएंगे मगर सरकार तो भाजपा की ही लाएंगे, साइकिल से चलाएंगे लेकिन सरकार भाजपा की लाएंगे है? तो ये क्या है सब, अब जो मेन पॉइंट ही है कि स्वरोजगारी, जो ग्रेजुएट होते हैं लोगों पढ़कर तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसमें भाजपा को थोड़ी इसमें रोजगार के मुद्दे पे काम, रोजगार युवा लोगों को रोजगारी नहीं मिलती है, वो महंगाई, जो रोजगारी मिलेगा ना तो इसको महंगाई नहीं लड़ेगी। ये चुनावी चौपाल हमने लगाई जिसमें लोगों ने एकदम खुलकर बातचीत की, जामनगर के लोगों ने साफ बताया कि महंगाई पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, रोजगार पर काम करने की जरूरत है, और जो जामनगर के लोकल मुद्दे हैं, चाहे आवारा पशुओं का मुद्दा हो उस पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इस बार जो माहौल है वो नरेंद्र मोदी का ही है, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और साथ ही लोगों का साफ कहना है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। तो चलिए गुजरात के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सबसे हॉट सीट सागर, और सागर की सीट पर जनता का मूड क्या है यह जानने के लिए रिपब्लिक भारत ने चुनावी चौपाल लगाई और जनता के मूड को टटेलने की कोशिश की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ, कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है तो मोदी जी के हाथों में है। चली रे देखो चली के मोदी जी की लहर चली। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं और इस समय मैं सागर लोकसभा सीट पर हूं। इसी दौरान हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, देश की आधी आबादी क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करेंगे, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, खासकर पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिखा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी वो ले लेंगे, इन सब मुद्दों पर हम सागर की इन महिलाओं से बात करेंगे, इन महिलाओं का मूड जानेंगे देश को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर और सागर को लेकर। सबसे पहले तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार किसकी चलने वाली है देश में, मध्य प्रदेश में, बीजेपी की या एनडीए गठबंधन? बीजेपी की। क्यों? कोई है ही नहीं मोदी जी के सामने। ऐसा क्या किया बीजेपी? सब कुछ किया। मोदी जी एक ऐसे जननायक नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं, सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाएं नहीं, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए भी सोचा, उन्होंने उज्ज्वला योजना, उन्होंने महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं, मैं आपको गिनवा नहीं पाऊंगी। सो देश की आधी आबादी तो महिलाओं की है और सारी महिलाएं, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मोदी जी के साथ है। आप मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चुनावी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने स्टेटमेंट हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने सुना होगा, कभी वो कंगना के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, उनके रणदीप सुरजेवाला, कभी दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, कभी हेमा मालिनी को लेकर स्टेटमेंट आता है, बड़े नेता जब महिलाओं पर स्टेटमेंट देते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या आधी आबादी जो है देश की उसका कांग्रेस सम्मान नहीं करती क्या? देखिए, जैसे कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई निर्देश है, वो अपनी विकृत मानसिकता हमेशा दर्शाते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, एक बड़े से एक छोटे लेवल का जो भी नेता है, वो अपनी जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता हमेशा दिखाते हैं, चाहे वो स्त्रियों के प्रति हो, हिंदू धर्म के प्रति हो, किसी भी धर्म की चीज के प्रति हो। जैसे अभी आपने मंगलसूत्र का भी बताया, तो मंगलसूत्र हमारे भारत में अखंड सौभाग्यता की निशानी दिखाते हैं, अगर वो अखंड सौभाग्य को भी एक किसी सामान के वस्तु में तोल रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितने निचले स्तर पर जा चुकी है, और मात्र एक विकल्प तो कोई बचता ही नहीं है। भाजपा ने जो बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला वो करके दिखाया। मैडम आप क्या कहेंगी, आप बताइए।